बाबा हम बच्चों को पुष्पक विमान से हुबली की धरती पर उड़ाकर लाया है। एयरपोर्ट से उतरते ही हमारे स्वागत में श्री बाबा ने अपना झंडा फहराया है। गीता ज्ञान लोक में प्रवेश करते ही मन में आनंद बहुत पाया है। प्रकृति के पांचों तत्वों ने भी आत्मा के कोने कोने को जगाया है। यहाँ के फरिश्ते भाई बहनों की सेवा और प्यार ने मन को बड़ा हर्षाया है। अद्भुत स्वागत समारोह में झंडे के तीन रंगों ने अध्यात्म के साथ देशभक्ति को भी जगाया है। पहली बार खुले हाल में मेडिटेशन करने का आनंद परम धाम जैसा पाया है। यहाँ के अजब म्यूजियम ने गीता के भगवान शिव हैं को सिद्ध कर दिखाया है। देवलोक के सुंदर दृश्य ने तो सुखधाम में जाने की इच्छा को भी बढ़ाया है। हम्पी में छुपी सांस्कृतिक धरोहर ने इतिहास के भूले पन्नों को फिर से याद दिलाया है। रॉक गार्डन की सुंदर कलाकृतियों में पुरानी संस्कृति को जीवंत पाया है। यहाँ दयाल भाई जी के सृष्टि चक्र के संकल्प में स्वर्ग का सपना साकार नजर आया है। रॉक गार्डन के हर लम्हे को सतीश भाई जी और नितिन भाई जी ने उत्सव बनाया है। यहाँ की एक्यूरेट व्यवस्थाओं ने हमें भी कर्तव्य बोध जगाया है। यहाँ पर ज्ञान हुई ज्ञान वर्षा से आत्मा को उमंग और उत्साह से भरपूर पाया है। शारदा बहन, लीला बहन और विश्वनाथ जी की अथक सेवाओं ने इस प्रोग्राम में चार चांद लगाया है। निर्मला दीदी में माँ की ममता, और ऋषि राज बसराज भाई जी में ब्रह्मा बाबा की झलक को पाया है। धन्यवाद धन्यवाद दयाल भाई जी, सतीश भाई जी, प्रेम दीदी जी, पूनम दीदी जी, जिन्होंने हमें आर्ट एंड कल्चर विंग का मेंबर बनाया है। कैसे हम करनालवासी एक एक का धन्यवाद करें, हमने धन्यवाद के शब्दों को भी कम पाया है। धन्यवाद धन्यवाद।